मैं मिंटी आपसे आज टेबल को एक कैसा नया लुक देना चाहिए इस चीज़ को शेयर करूँगी। एक्चुअली ये टेबल मैंने ख़रीदा था रिजनेबल कॉस्ट में, और उस समय इस टेबल का कलर मुझे यही अच्छा लगा क्योंकि इससे अच्छा कोई कलर था ही नहीं। बट अब मुझे इसको यूज़ कर करके काफ़ी बोर जैसा फील होने लगा है। सो राइट नाउ आई एम चेंजिंग दिस कलर। तो अब मैं इसका कलर चेंज करने जा रही हूँ, जो कि मैंने इसका कलर जो चूज़ किया है वो ब्लैक कलर चूज़ किया है। और आपको मैं ये भी शेयर करना चाहूँगी कि किस तरह से आप अपने घर को नया लुक दे सकते हैं, नया लुक दे सकते हैं। तो आइए मैं आपको पहले टेबल का ओवरव्यू दिखाती हूँ। और ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो चुकी है क्योंकि मैंने इसका दो सेल्फ ऑलरेडी कलर कर चुका है, लास्ट सेल्फ बाकी था। सो अब मैं इसको वीडियो बना रही हूँ, तो आप पहले इस टेबल का पूरा लुक देखिए। ये एक टेबल है जो कि आप एज अ सेल्फ इसको यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेशन सेल्फ। ये मेरे टीवी के सेल्फ का है, नीचे रहता है, काफ़ी अच्छा है ये टेबल। और इसका कलर पहले इसके ऊपर जो सनमाइका लगा हुआ था वो पहले इस कलर का था। इसके तीन सेल्फ है बट मैंने डिसाइड किया कि इसको एक नया लुक दिया जाए, तो अब मैं इसको कलर कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए, और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, कोई भी काम कीजिए तो सेफ्टी से करिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कलर लग सकता है, वो छूटता नहीं है फिर हाथों से। तो अगर आप किसी बड़े की निगरानी में करें तो बेटर है, और अगर आप खुद भी कर सकते हैं तो आप करिए, बट सेफफुली कीजिए। तो इसके लिए मैंने एक ब्रश का यूज़ किया है, ये ब्रश है। और इसके लिए आप कलर ले सकते हैं, एशियन पेंट, कोई भी कलर ले सकते हैं। मैंने इसका जो कलर लिया है वो RPPL का लिया है। ये देखो, देखिए ये ब्लैक कलर है। इसकी रिजनेबल कॉस्ट होती है मार्केट में, जो कि आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये सारे डेकोरेशन के ही आइटम हैं जो कि मैं इस टेबल पे रखती हूँ। तो अभी मैं कलर कर रही हूँ इसीलिए मैंने इसको निकाला हुआ है। तो इसका मैंने एक सेल्फ और दो सेल्फ कोटिंग किया है। अभी मैं इसको, ये लास्ट वाला सेल्फ को भी कोटिंग करूँगी। और उससे पहले मैं बता दूँ, ये मेरा फर्स्ट कोट है, इसको मैं डबल कोट करूँगी, और जैसे ही ये हो जाता है तो फिर मैं आपको बताऊँगी। इस तरह से आप पेंट कर सकते हैं, देखिए मैं आपको पेंट करना दिखा रही हूँ। एंड नाउ ये देखिए, टेबल को मैंने सारा कलर कर दिया है। ये टोटल मैंने तीनों सेल्फ को ब्लैक कलर कर दिया है। अब टाइम फॉर रीअरेंज ऑल द थिंग। नाउ दोस्तों, देखो मैंने अपना कलर कर दिया और डेकोरेशन भी कर दिया। अब फाइनली मेरा टेबल ऐसा लग रहा है। इस टेबल में मैंने कपड़े का मैट डाला है जो कि कंट्रास्ट एक अच्छा लुक दे रहा है, और ये टेबल का लुक अब ऐसा हो गया है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मुझे और भी मोटिवेशन वीडियो बनाने का मौका मिले, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे डेकोरेशन और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।